अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई के आगे बोला है और ऐसा भयानक बोला है और उन लोगों ने बोला है जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। समझ रहे हो? उसी पार्टी के नेता ने बोला है जिसके लिए यही एल्विश भाई 24/7 वोट मांगा करते थे। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। और बोलने के तुरंत बाद गोदी मीडिया ने क्या ही पलटी मारी है, वरना आज तक वाले तो इन्हीं एल्विश भाई को अपने चैनल में बुलाकर गाना गवाया करते थे। गाना क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को आप? अच्छा, गाना भी सुनाना है क्या मुझे? सुनाना है। मैं तो कोई भी सुना दूंगा, कोई भी जो आपका फेवरेट हो, जो आप सुनाना चाहें बिल्कुल बिंदास एल्विश वाले अंदाज में। वैसे मेरी इतनी अच्छी आवाज नहीं है, बट फिर भी आई विल ट्राई। ठीक है, अब आ जाते हैं अंधभक्तों की तरफ। क्या बात है? जब कोई पत्रकार सही सवाल पूछता है तो अंधभक्त झुमरी तलैया करने लगते हैं। ठीक वैसा ही एक बार फिर से हुआ है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। नौकरी भाई? जी नौकरी है। कौन कहता है नौकरी नहीं है? काम करने वाली कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वाला होना चाहिए। देखिए, आप ये भी देख सकते हैं, बोलने को ये भी बोल सकते हैं लेबर के काम नहीं है, मगर लेडीज जब काम कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते काम? देख रहे हो जना, बोला था ना अभी ये भी झुमरी तलैया करेगा। बहरहाल आप सियासत में आपकी दिलचस्पी कम है। ये है ना, मोदी सरकार को हम वोट देंगे क्योंकि कोई कुछ कहती है पब्लिक, कोई कुछ कहती है, हमारे को औरों से मतलब नहीं है। एक सनातन के हिंदू वाला जी एक वैसे गोदी मीडिया कम थोड़ी है, ये फोटो वायरल हुई है जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर स्टूडियो में बैठकर डिबेट कर रहे हैं इनके पत्रकार। इस प्रकार की बचकाना बातें, ये तो कुछ नहीं, अब रिपब्लिक भारत वाले पीछे थोड़ी ना हो सकते हैं, वो तो इनसे भी आगे निकल गए। फोटो में देखो इस डिबेट में कितने लोग हैं। इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? और इस पूरे डिबेट में कोई किसी की नहीं सुनता है, सब आपस में झगड़ते रहते हैं और यही तो इनका एजेंडा भी होता है, तभी तो टीआरपी मिलेगा ना। बात तो सही है। ये सब हुआ है तो अमन चोपड़ा पीछे कहाँ रहने वाले थे, वो तो सीधे मोदी जी को ही उठा लाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि वो प्रवक्ता नहीं एक पत्रकार हैं। जरा सुनो तो सही, दुनिया में जिस तरह का माहौल है, भारत कैसे बचा हुआ इन चीजों से और भारत में कैसे स्थिरता, या मोदी का होना हमारे लिए या भारत के लिए कम से कम आज बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी कूटनीति के जरिए ऐसा संतुलन साधा कि जिस युद्ध से भारत को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी, उस युद्ध के दौरान भी भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इसकी मार देश की जनता को ना झेले। दिक्कत यही है कि ये पत्रकार होकर के ऐसी बात करते हैं, वरना हमको कोई दिक्कत नहीं थी, और फिर इनकी ऐसी ही बातों की वजह से हमें कुछ ऐसे नमूने देखने को मिल जाते हैं। समझ नहीं पा रहे हो, जब 2008 में चंद्रयान जब गया था ना फर्स्ट टाइम पे, वो टेक ऑफ भी हो गया था, उस टाइम पे क्या हुआ था पता है आपको? उस टाइम पे ना भारत के अंदर वो नहीं था, वो नहीं है जो आप समझना चाह रहे हो ना, वो डिजिटल नहीं चाह रहे हो ना, वो डिजिटल नहीं। तो गाइस यही चल रहा है हमारी गोदी मीडिया में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।